सेंटर में काम करने वाली लड़की की चाकू से गूंथकर हत्या। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर सेकंड फ्लोर पर ऑफिस के अंदर खून से लथपथ मिली युवती की लाश। लड़की के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आदर्श नगर थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद हर कोई सकते में है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली आदर्श नगर थाना इलाके के केवल पार्क में बने ऑफिस के अंदर 23 साल की युवती का शव खून से लथपथ हालत में मिला। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आला अधिकारी और टीम मौके पर पहुंचाई। देखा कि युवती की चाकू से गूंथकर हत्या की गई थी। खून से लथपथ हालत में युवती बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में बने हुए एक ऑफिस के अंदर पड़ी हुई थी। जांच के दौरान मालूम हुआ कि इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। फाइनेंस ऑफिस के इस कॉल सेंटर में युवती पिछले कुछ महीनों से टेलीकॉलर के पद पर काम कर रही थी, जिसकी आज अज्ञात हमलावर में चाकू से गूंथकर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवती आदर्श नगर के पास ही भलसुआ दिल्ली की रहने वाली थी। युवती की पहचान दीपा के तौर पर हुई है। मामले की जानकारी शाम 7 बजे के करीब कांस्टेबल को मिली, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। दिल्ली के आदर्श नगर स्थित कॉल सेंटर में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और 302 की धारा में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की जांच और पूछताछ लगातार जारी है। अब पुलिसिया पूछताछ के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आरोपी कौन है, इस वारदात को कब और क्यों अंजाम दिया गया है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। अभी एक युवती की हत्या हो गई जो बताया जा रहा है, कॉल सेंटर में काम करती है, क्या पता आपको इसके बारे में? थर्ड फ्लोर पे ऑफिस है इसी बिल्डिंग में, और वहाँ पे मर्डर हुआ है, डेड बॉडी पुलिस ले गई है, बस यही पता है। अच्छा, कुछ उम्र वगैरह लड़की बता रहे हैं? हाँ, लड़की बता रहे हैं, उम्र नहीं बता रहे हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि वो लड़की कॉल सेंटर बंद करके जा ही रही थी, तभी युवक आया, उसने चाकुओं से हमला कर दिया। कॉल सेंटर बंद करने का टाइम हो जाता है 6:30-7 बजे, तो यही टाइम होगा। सबसे आखिरी में वो लड़की जा रही थी। हाँ, कुछ ये पता क्या नाम था, कहाँ रहती? ये नहीं पता कि नाम क्या था। बता रहे हैं भलसवा डेयरी इलाके की रहने वाली थी। नहीं, उम्र वगैरह कुछ पता कितनी? नहीं, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। नहीं, कितनी देर पहले का मामला ये? अराउंड 7 बजे का, 6:30-7 बजे का। कॉल सेंटर में क्या काम होता था? कॉल सेंटर में वो रिकवरी का काम करते हैं, बजाज फाइनेंस के जो रिकवरी के एजेंट होते हैं। ठीक है।